हेलो आरबीआई ग्रेड बी डी पीआर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ आप चार टाइप देख रहे हैं और इसका सॉल्यूशन मैं गूगल क्लासरूम में बताऊंगा। गूगल क्लासरूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डी पी आर में इससे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए कि चार टाइप दिया हुआ है। इस पहले टाइप में सिंपली एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा या वो क्वांटिटी क्या होगा जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे दूसरे टाइप में देखिए कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा कि आप प्रॉफिट फंक्शन निकालिए। तो ये कैसे निकालना है ये हम गूगल क्लास में बताएंगे आपको। और ये इसी तरह बनेगा, इसी तरह सिंपल है ये, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक है। इसी को सॉल्व करके आप इसे इसी तरह बना सकते हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें और एक कदम बढ़ा दिया गया है कि टोटल रिवेन्यू भी नहीं दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है और आपको बताना है किस क्वांटिटी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या फिर वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा या फिर यह किस क्वांटिटी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसको सोल्व करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसे सोल्व किया जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लासरूम में ही बताऊंगा। तो अगर आपने अभी गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर ले। उसमें आपको सिर्फ 100 रुपीज़ ही लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेटअप कॉस्ट मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी डी पी आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो हैं आरबीआई ग्रेड बी में पूछे जाने वाले उससे हम डील करते हैं। और जैसा कि आप अगर आपको पता होगा तो आरबीआई ग्रेड बी डी पी आर एग्ज़ाम में बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किए आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें। अगर आपने 100% भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आप आरबीआई ग्रेड बी डी पी आर एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने क्लासरूम में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं और न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम वीडियो सॉल्यूशन बताते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देते हैं। तो आप इस क्लासरूम को जरूर ज्वाइन करें, बहुत कम समय बचा है और पिछले अभी तक की जो वीडियो मैं वहाँ पर डाल चुका हूँ वो भी आपको मिल जाएंगी। और आगे मैं एग्ज़ाम तक जो भी वीडियो डालने वाला हूँ या प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वो सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।